अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू मेल्ट अ चॉकलेट। जी आज हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे बाय यूजिंग अ डबल बॉइलिंग मेथड। लेट्स स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले हमने एक सॉस पैन में लिया है पानी। पानी सिर्फ हमने इतना लेना है कि जब हम उसमें बाउल रखें तो जो पानी है वो बाउल को टच नहीं करना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो बाउल है हमारा वो हीट सेफ होना चाहिए, वरना जो बाउल है वो टूट भी सकते हैं। हमने पानी को सिर्फ इतना ही बॉयल करना है कि पानी पर बबल्स आना इस तरह से स्टार्ट हो जाएं। जब पानी पर इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसमें एक हीट से बाउल रखेंगे। देन हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। मेरे पास 1 कप कंपाउंड बेकिंग चॉकलेट का और मिल्क ऐड करेंगे। जो मिल्क है वो कंसिस्टेंसी के मुताबिक ऐड करेंगे कि चॉकलेट की कितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। साथ साथ हम इसे हिलाते रहेंगे। इसी स्टीम की वजह से हमारी चॉकलेट ईजिली मेल्ट हो जाएगी। बाय यूजिंग द डबल बॉइलिंग मेथड चॉकलेट मेल्ट करने का फ़ायदा यही होता है कि चॉकलेट को जो डायरेक्ट हीट है वो नहीं मिलती, चॉकलेट हमारी बर्न नहीं होती, रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग बहुत कम हो जाता है और जो सबसे ज़्यादा रिलायबल वे है चॉकलेट मेल्ट करने का वो डबल बॉइलिंग मेथड ही है। इसी तरह 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमारी चॉकलेट इस तरह मेल्टिंग स्टेज में चली जाएगी। ये लीजिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और पतली करनी है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बहुत ही एहतियात के साथ निकाल लेंगे। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यम्मी।